हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो विषय है वो है संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर किसे कहते हैं, हम सबसे पहले वो जान लेते हैं। दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल को संयुक्त व्यंजन अर्थात संयुक्ताक्षर कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये चार जो है संयुक्ताक्षर है। ये दो टाइप के होते हैं। पहला टाइप ये है जिसमें जो छ है वो कई व्यंजनों के जोड़ से संयुक्त होने से बना हुआ है, जैसे कि क्ष में क, क्ष और अ, ये तीन मिला है तब जाके क्ष बना है। फिर त्र, त, र, अ के संयोग से बना हुआ है। फिर आता है ज्ञ, ज्ञ किससे बना है, ज, ञ और अ से। और इसके बाद लास्ट है श्र, श्र किससे बना है, श, र और अ से। ये होते हैं संयुक्ताक्षर। आइए कुछ और भी संयुक्ताक्षर हैं जो बच्चों के लेवल के होते हैं, आइए उसको देख लेते हैं। सबसे पहले किस चीज़ का चित्र है, किस चीज़ का पिक्चर है, ये है लट्टू। इसको देखो लिखा कैसे गया है, ल पूरा ल है, ट, ट के नीचे ये जो छोटा सा हलंत आपको दिखाई दे रहा है ये आधा, उसको लगने का मतलब ये आधा ट हो जाता है, और फिर ये पूरा ट और उसके नीचे बड़ा ऊ की मात्रा। तो हम कैसे इसको रीड करेंगे, ल आधा ट, तो इसका उच्चारण जो है फास्ट होगा, जल्दी से होगा, लट टू, लट टू, पूरा ट इसको नहीं रीड करेंगे, लट टू। तो ये क्या बना, लट टू। दूसरा पिक्चर आप देख सकते हो, ये एक कुत्ते का बच्चा है जिसे इंग्लिश में हम पपी कहते हैं, हिंदी में हम इसे पिल्ला कहते हैं। अब कैसे इसको रीड करेंगे, प में छोटी की मात्रा पी, आधा ल और पूरा ल और आ की मात्रा, तो पिल ला, पिल ला, पिल्ला। तीसरा जो ये चित्र है आप देख सकते हो, ये क्या है, गुब्बारा। इसको हम कैसे रीड करेंगे, गु आधा ब पूरा ब में आ की मात्रा बा रा, गुब बा रा, गुब बा रा, गुब्बारा। फिर है ये प्रेस, जिसको कि हम इंग्लिश हिंदी में इसे हम बोलते हैं इस्त्री, तो ई आधा स त्र में बड़ी की मात्रा त्री, इस त्री, इस त्री। सब जी, सब्जी, रिक्शा, रिक्शा, रिक्शा। ये किसका चित्र है, उल्लू। तो हम कैसे रीड करेंगे, उ आधा ल, उल लू, उल लू, उल्लू। हल दी, हल्दी, हल दी, हल्दी। क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन से बना हुआ है इसलिए इसको हम संयुक्ताक्षर कहते हैं। लड डू, ड के नीचे हलंत है यानी आधा ड, इसको आधा ड रीड करेंगे, लड डू, लड्डू, लड डू, लड्डू। पत्ता, पत्ता, पत्ता। बच्चा, बच्चा। चूल्हा, चूल्हा। टिड्डा, टिड्डा, टिड्डा। मक्खी, मक्खी, मक्खी। समुद्र, समुद्र, ये द के नीचे आप छोटा सा ही लाइन देख रहे हो, ये भी क्या है, संयुक्ताक्षर है। द में नीचे र है, ये जो लाइन है ये मैंने ऑलरेडी इसकी वीडियो बनाई हुई है, आप चाहे तो मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो ये क्या बना, समुद्र, द के नीचे र, समुद्र। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।